हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमन ब्लॉग्स 18। और मैं शुरुआत कर रही हूँ आज सुबह के ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 11 बजे से। छोटे को नहला वाला सब दिया है, वो आज जल्दी उठ गया था 9 बजे, तो उसको फटाफट से उसकी मालिश वगैरह की और फिर उसको 10 बजे तक नहला दिया था। और बाकी काफ़ी अंश स्कूल गया है और मैं यहाँ पे पीने लगी हूँ दोबारा से चाय। पता नहीं क्यों चाय की आदत पड़ने लगी है मुझे ज़्यादा। बस अब काम तो हो ही है लगभग, बस मैं नहाऊंगी और छोटे के कपड़े हैं बाकी काव्यांश के और अपने, तो जैसे आज के कल और फिर कल के परसों ऐसे करके धोती हूँ ना, तो जैसे आज वो सुबह स्कूल ज़्यादा टाइम नहाया था उसके कपड़े हैं तो शाम को धुलेंगे वो कपड़े, जब रनिंग वाटर आता है तभी धोती हूँ, बाकी फिर अपने भी हो जाते हैं उसके बाद। बाकी कुछ दो तीन आइटम और धोने हैं मुझे जो धो के रख देने हैं क्योंकि पैकिंग के लिए। तो बाकी अभी पी रही हूँ मैं चाय और थोड़ा धूप हल्की सी भी है, हल्की मतलब ऐसा तो तेज है लेकिन जब बादल आ जा रहे हैं तो हल्की हो जा रही है। तो बस बाकी पीती हूँ चाय और फिर दिन के खाने की तैयारी हो जाएगी घर में। मतलब दिन में मैं सोचूँ दाल चावल ना बना के रोटी सब्जी बनाऊँ क्योंकि ये मटर है और आलू मटर सोचूँ बनाने की, काफ़ी दिन से सोच रही थी आलू मटर की सब्जी नहीं खाई तो वही बनाऊँगी उसके साथ रोटी। यहाँ पे कोई हैं उन्होंने, वो घर से आए थे तो उन्होंने मंडवे का आटा भी दिया है। जो पहाड़ी होंगे उनको तो पता होगा मंडवे का आटा, लेकिन जो नॉन पहाड़ी है तो मंडवा होता है बाजरा टाइप होता है जैसे उसी तरीके से होता है, तो उसी को पीस के उसी को तो आटे की तरह होता है उसमें मिक्स करके उसको बनाते हैं। बाकी बाहर शायद बंदर आए, आपको दिखाते हैं छोटा सा बंदर है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये तो बड़ा बंदर है लेकिन चीर कर सारे बंदर हैं। इतना छोटा बंदर है, धूप सेकने आए हैं शायद ये देखो। गुंडी लगा लेती हूँ मैं क्योंकि ये गुंडी खोल के भी आ जाते हैं ना, ये देखो। अच्छा वही कल परसों नहीं आए जब मैं मटर छील रही थी, नहीं तो फिर से मेरे मटर चले गए थे, आ जाए ये। मैं सोच रही थी ना धो के छोटे को लेके जाऊंगी बाहर में, अब तो ये देखो इतनी मंडली आई है इनकी। बाकी तो कपड़े तो धुले हैं, कहाँ गए बंदे, ये देखो बैठा है, ये देखो बंदूकों का बड़ा आतंक है यहाँ, छोटे बड़े सब आए हैं। मैं किचन की जो विंडो है उसको बंद करती हूँ क्योंकि उसको भी खोल सकते हैं ना, वैसे तो मैंने धागा बांधा हुआ लेकिन फिर भी चलिए। ये देखो बंदर बंदर बंदर। हेलो, तो टाइम हो चुका है 12:15 और नहाना धोना सब कुछ हो गया है, बेबी अभी तक सोया ही है। बाकी बाहर तो बंदर थे वो चले गए हैं। बाकी आज का वेदर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, वेदर मतलब धूप वगैरह कैसी लगी ना खिली खिली, तो इस तरीके से धूप है खिली खिली। बाकी तो ये कपड़े सुखा है, ये धोया आज काव्यांश की ड्रेस धो दी फ्राइडे वाले, मतलब जो रेगुलर पहनता है मंडे टू थर्सडे वगैरह, फ्राइडे की फिर अलग हो जाती है तो सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहता है, तो बस धोती है। बाकी उसकी वो ब्लू वाली रही है, बाकी बस बाकी शाम को धुलेंगे कपड़े, अभी धूप है छोटे को लिया तो बाहर में, बाकी अनार वनार चलना है जो भी को बंद कर देती हूँ क्योंकि बंदर आ सकते हैं। टाइम हो चुका है 1:55 और अभी दुकान गई थी और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया,
बस वो चावल और मटर वगैरह तो सब भिगो के रखे हैं क्योंकि आज मैं बनाने वाली पुलाव, क्योंकि जब तक वो हैंड वॉश वगैरह ये कर कुछ करता है ना तब तक पुलाव बन जाएगा। और इसके लिए मैं ये लेके आई और टमाटर, और ये एक कैप्सिकम लेके आई हूँ क्योंकि कैप्सिकम केवल पिज़्ज़ा के लिए, और उसके लिए सरप्राइज दूंगी मैं ये, इसके लिए मैं केक लेके आई हूँ आज। तो केक बताती हूँ, केक नहीं सॉरी चीज़ बेस लेके आई हूँ, फिर बनाऊँगी साथ में। चीज़ मिल गया था, ऐसे मिलता नहीं लेकिन आज मिल गया था तो ले आई मैं इसके लिए। बाकी न्यूट्रेला लाई इसके लिए, कब से कह रहा था सब्जी क्योंकि मेरी ना ख़त्म हो गई थी बड़ी, तो बड़ी भी लेके आई हूँ। कुछ इन चीज़ों के लिए बोल रहा था वो तो चली गई मैं दुकान में, फिर लेके आई। बाकी पैकिंग तो देखो सब मैंने इस बेड के ऊपर रख दिया है सामान, किचन में बहुत रह रहा है, ये भी खाली कर रखा है। बाकी चलिए ये इधर खेल रहा है, उसे लेने जाओ। तो अब खाने लगे हम लंच, लंच में आज हो गया लेट, कितने दिन 3:15 हो गया। अब खाने लगे हम लंच, और लंच में मैंने बनाया आज पुलाव, टेस्टी टेस्टी। दूसरी बार ले रही हूँ मैं, एक बार तो खा भी लिया, कैबेज में भी एक बार कहीं नहीं खाया है। ये बनाया पुलाव मस्त सा, टेस्टी टेस्टी है ना, टेस्टी हो रहा है ना काव्या को दाल चावल चाहिए होता है। मैंने कब बोला था? और उसके आज फेवरेट चीज भी बनने वाली है क्या? क्या बड़ी की सूप का रोटी, बड़ी रोटी और सूप के साथ। बड़ी की सब्जी तो बनेगी, साथ में कुछ और भी बनेगा, जंक फूड बनेगा। कौन सा जंक फूड बनेगा? मोमोज नहीं, पिज्जा। पिज्जा बनेगा। और हमारी मैम ने कहा, संजीता मैम आई थी? नहीं आई थी। ओके। और मैंने ना क्रिसमस वाला मनाया था घर के ऊपर, ऐसे लाइट लगा दी। हेलो दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ कुरियर लेने, वो भी साइकिल में, क्योंकि जल्दी से फटाफट कॉल आया तो मैंने कहा चलो फटाफट साइकिल में हो आती हूँ। बाकी बाइक वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए साइकिल में जा रही हूँ कुरियर तक। देखिए तो चलिए चलिए मेरे साथ चलते हैं, बहुत ठंडी हुई है। तो पार्सल मैं ले चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बस तो पार्सल मैंने ले चुका है और मैं जाने लगी हूँ वापस घर। घर में जाके आपको लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है, कागज के लिए लिया है मैंने, तो कागज को दिखाऊंगी उसका रिएक्शन क्या है। बच्चे ये दोनों बच्चे क्या कर रहे थे मेला, क्या कर रहे थे ये दोनों बच्चे, छुच्छू तो नहीं किया? नहीं क्या छुच्छू, ये आपके लिए देखो काव्यांश के लिए लिया है, ये देखते हैं कैसा है ये। पैकिंग अच्छी लग रही है काव्यांश की, बल्ले बल्ले हो गई, मेरे साइड तो करो फेस, काव्यांश की बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले। तो ये मंगाया मैंने मिंत्रा से, और लेट्स सी खोल के, पैकिंग तो बहुत अच्छी करी है, लेट्स सी की। हाँ जी, हाँ बस थोड़ा सा दो, बोया को देख लीजिए, थोड़ा सा
वाओ वेरी नाइस। देखा वेरी नाइस क्या? देखो इधर इधर करो ना। अच्छा हाँ यू लाइक इट? यस यस। एंड सेकंड है ये, सेकंड में दिखाती हूँ आपको। पता है किस चीज में गई? किसमें गई पता है? किसमें गई? साइकिल में। वाओ वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। काफी अच्छे अंदर से इधर करना फेस मुंह का, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। प्ले क्या लिखा है इसके पीछे? पहले काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये। थोड़ा इसके सामने एक और क्या लिखा है? सा बड़ा है ये, मैंने बड़ा इसलिए लिया क्योंकि 28 छोटा जाता ना तो अगले साल काम नहीं आता, तो फिर क्या फायदा, तो इसलिए मैंने दो लिए। और ये मुझे पड़े 619 रुपीज के, तो एक पड़ा मतलब 300 का, तो कोई भी मतलब वो नहीं है, इसमें बुराई नहीं है लेने में। गुड गुड वर्क। कौन सी आंटी की साइकिल? कैसा लगा आपको ये? अच्छा लाइक इट? ओके सर, दोनों में से कौन सा? तो दोस्तों शाम के हो रहे हैं 5:30 और देखो खुद नींद खराब करके मेरी अब खुद सो गया है ना। तो ऐसे होते हैं बच्चे छोटे में, सभी माओ को पता होगा, मम्मी की नींद को खराब कर अपनी नींद ले लो चुपचाप से। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय और चाय ना। तो यहाँ पे हो चुका है पिज़्ज़ा रेडी और ये स्लाइस मैं खा चुकी हूँ, काम पूरा नहीं हुआ और बना भी जंक फूड रहा है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:00 बजे में 10 मिनट है मतलब, और पिज़्ज़ा पार्टी हो गई ओवर। पिज़्ज़ा तो हमने खा लिया, अभी भूख तो नहीं है लेकिन ये मासी जी कह रहे हैं कि बड़ी की सब्ज़ी बनानी है, तो इसलिए बड़ी भी खाई है और उनको बिकने दूंगी। फिर बनाऊंगी रोटी और सब्जी बनाऊंगी पहले तो, फिर आटा तो गूंदा हुआ है क्योंकि मैंने पहले से ही गूंद के रख लिया था शाम को ही। बट क्या हुआ कि पिज़्ज़ा बनाने का कोई प्लान था नहीं, मतलब था तो प्लान लेकिन पहले इसने दूध वगैरह पी लिया था तो मुझे लगा ये पिज़्ज़ा नहीं मांगेगा, लेकिन बोला इसने देख लिया था पिज़्ज़ा बेस, तो उसने बोला नहीं आज ही बनाना है तो मैं कल बनाती हूँ। सोच भी आज बनाऊँ लेकिन फिर मैंने सोचा कल बनाऊँगी, छुट्टी भी है तो कल ही बनाऊँगी, लेकिन फिर बना लिया तो फिर पेट अभी तो फुल है बट थोड़ा थोड़ा सा एक हाथ तो बनता है, तो इसलिए बड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी और साथ में 2-3 रोटी बनाऊंगी, बाकी वगैरह पी लेंगे। बाकी इधर काफ़ी अंश करने लगा है इधर काम अपना स्कूल का, और ये मासी जी सोए अभी क्योंकि इन्हें जगना नाइट ड्यूटी करनी होती है इनको, तो मम्मी चलिए फिर बने रहिए। इंडिगो था ना, इंडिगो। इसलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, और बस यही था आज का वीडियो। तो चलिए आगे दिखाऊंगी आपको लास्ट मतलब वो करूँगी क्या, तो खाना वगैरह सब कुछ हो गया था डिनर वगैरह और काफ़ी ऐसा सो गया, सुबह जल्दी उठ जाता है तो फिर दिन भर नहीं सोता है तो रात को 10 अराउंड 10 बजे सो जाता है। और ये जनाब जी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं शाम को तो फिर हमें नहीं सोने देते हैं, और टाइम हो रहा है अभी 11:30, 11:35 सो रहे हैं। कब सोओगे? हाँ कब सोओगे? सोओगे नहीं? कब सोओगे? कब सोना है बताओ? इससे पूछती हूँ पहले, मैं इसके ना नीचे वो बिछा देती हूँ, वहीं टॉयलेट में मत देना।
छूने गुजी को नहीं 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 चिट अच्छी कर दे अच्छी कर दे एक बार अजू कर दे नहीं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट ऑफ है, मैं होता ही नहीं है मुझसे वो ऑन, पता नहीं क्या सेटिंग है उसमें, तो कमेंट कर दो छोड़ो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जल्द मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।